खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्मजात कमियां ठीक कर सकते हैं? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है? जब परमहंस योगानंद जी को इसका जवाब मिला तो वो हैरान रह गए। बचपन से परमहंस योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिस कारण उनका वजन हमेशा कम रहता। वे थोड़ी मेहनत करने के बाद काफी थक जाते। अगर लंबी यात्रा कर लेते तो शरीर टूट जाता, जिस कारण वे कई बार हीन भावना महसूस करते। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आश्रम आने पर योगानंद जी मन ही मन सोचा करते, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक बार मैं आश्रम के बरामदे में बैठा था, एकाएक गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी की नजरें मुझ पर आकर गड़ गई। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं, शायद गुरुजी ने मेरे अंतर्मन के विचार और हीन भावना पढ़ ली थी। योगानंद जी कहते हैं कि गुरुजी की इस बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव मुझे भी मेरी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमजोर ही रहता है, औषधियों से भी कोई लाभ नहीं होता। गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद औषधियों की अपनी सीमा है, तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है, तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रोक लो, तो अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्मजात बीमारी ठीक कर सकते हैं? युक्तेश्वर जी ने कहा, बात केवल सोचने भर की नहीं है मुकुंद, अब तुम मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया। मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहड़ी महाशय जी के दर्शन करने गया। मैंने गुरु लाहड़ी महाशय जी से कहा, मैं बहुत बीमार था इसलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया है, शरीर में किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं बची है। लाहड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर मैं देख रहा हूँ कि पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया, अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए, पर तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने लाहड़ी महाशय जी की बात पर श्रद्धा भाव से विश्वास कर लिया। मुझे पूरे दिन लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की सिरन हो रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा था, मैं तत्काल दौड़ते हुए लाहड़ी महाशय के पास गया और उल्लास के साथ बताया, गुरुदेव कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपने अंदर स्फूर्ति और ताकत का अनुभव हो रहा है, आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दिया। इस बार लाहड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, जब मैंने गुरुजी की बात सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ, मैं इतना बीमार हुआ कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाहड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार बना लिया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव भला मैं खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ, ये तो आपके वचन हैं जो सत्य साबित हो रहे हैं। लाहड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर तुम फिर भूल कर रहे हो, ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारे विचार और विश्वास है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाहड़ी महाशय गंभीरता से बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है, शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है।
इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। द ह्यूमन माइंड इज अ स्पार्क ऑफ द ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाहड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर लाहड़ी महाशय मौन हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरु जी की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी स्फुरना महसूस की। मैं बीमार था, मेरी हालत कमजोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं, उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशोथ की बीमारी हो गई है? जलाशोथ की बीमारी में शरीर की टिश्यूज के बीच में ज्यादा द्रव्य फंस जाता है जिस कारण शरीर में सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी कहते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी बल्कि माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही हष्टपुष्ट हो गया है जैसा बीमारी के पहले था। युक्तेश्वर जी ने कहा, कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी और शरीर की कमजोरी को लेकर सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी ठीक हो भी नहीं पाया। पर उस दिन मुझे समझ आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो सवाल है कि हम अपनी विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें। सबसे पहले हर स्थिति में अच्छाई देखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई स्वयं को अक्सर विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसे ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो हर स्थिति में हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसे हर शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है बाकी अवशेष छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई और शुभ को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। माइंड इज द रियल बिल्डर ऑफ पावर। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़ी की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आती है? विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन से। आपका मन जितनी नेगेटिविटी हटाकर सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है उतना ही मजबूत और साहसी होता है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की जरूरत है ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सके और दुष्ट व कमजोर करने वाले विचारों को त्याग सके। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो ताकि बिना जजमेंट और रिएक्शन के हर अच्छे बुरे विचारों को देख सको। हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं जिस कारण चेतना का स्तर उठता है, अलर्टनेस बढ़ती है और अलर्टनेस में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। बाहर के डिस्टर्बेंसेस और अंदर उठती हुई उत्कंठाओं से मन बार बार विचलित होता है, थकता है, कमजोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। इसलिए कंसंट्रेशन की शक्ति को विकसित करो। कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूं और ये मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो
इसके प्रभाव को शरीर और सर में बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो, ये भी प्रार्थना है। और इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहती है। और इसी प्रकार अभ्यास करने से आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो पूर्ण विश्वास से सोचते हैं वो सच हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए गौतम बुद्ध और भिक्षु की कहानी, जहां तथागत ने बताया कि हमें विचार क्यों आते हैं और कैसे काम वासना के विचारों के आने के बावजूद इनसे विरक्त रहा जा सकता है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।